ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਓ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੇ ਐਮ ਐਲ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਆਦਾਬ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੇ ਹੋਇਆ, ਇਸਕੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। आज जो 14 नवंबर का जो धरना प्रदर्शन था, वैसे कॉल तो इसकी पंजाब के पूरे सैनिकों ने जगाने की थी, पूरे सैनिकों को, पूरे देश की। और इसकी शुरुआत होगी थी 2010 में, और ये शुरुआत होती आज पूरे देश में ये आवाज़ गई है पूरे सैनिकों को, और आज पूरा देश पूरे पंजाब के पूरे सैनिकों को सत श्री अकाल दस्तर हाथ जोड़ के यही कहता है कि इस तरह के धरने प्रदर्शन और भी करने पड़ेंगे अगर हमने अपने हक लेने हैं। हम जब कमेटियाँ चला रहे हैं तो उन कमेटियों का काम सिर्फ पकोड़े खाना नहीं है, हर महीने पकोड़े खा के महीने में वहीं बैठ गए कि हमने फोटो खिंचवा लिए। हमारी असली लड़ाई दिल्ली से, दिल्ली के साथ में माथा पच्ची करनी है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन था, इसकी कॉल पंजाब सूबे की जितनी कमेटियां थी तरन तारण से इसका ऐलान हुआ था, और उसके साथ में हम भी तुरे थे कि हम भी उनके साथ में थे। तो आज का जो धरना था, इसमें प्रमुख मांगे हैं, जैसे सफर सिस्टम है, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं, सैनिक विधवाएं हैं, वो भी इससे बहुत परेशान, और आने वाले समय में नवंबर के महीने के बाद में तो बहुत सारे लाखों हो जाएंगी वो। और इसके अलावा जो है मिलिट्री सर्विस पे जो जवानों को 5200 रुपये और जो अधिकारियों को 15500 मिलते हैं, इसकी एक समानता की है। तीसरी इसमें डिसेबिलिटी पेंशन है, जिन सैनिकों की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, उनके उनको तो मिलते हैं सिर्फ 100% जो डिसेबिलिटी जवान है 18000 रुपये, और वहीं पे किसी कर्नल की एक उंगली कट जाती है उसको मिलते हैं 2,54,000 रुपये। ये भी भेदभाव है। और इससे सबसे बड़ी बात है वन रैंक वन पेंशन की, जो कोश्यारी कमेटी क्या कहती है कि भाई कम सर्विस, कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं जवान, ये वन रैंक वन पेंशन उनके लिए। आप 1973 से पहले जाओगे, वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवानों के लिए है। अगर कोई ऑफिसर या ऑफिसर लाभ भी ये कहती कि नहीं ये ऑफिसरों के लिए भी है, तो फिर पैरामिलिट्री के लिए क्यों नहीं मिल रही है? तो सरकार इसको रिजेक्ट क्यों करती है? सरकार इसको पैरामिलिट्री के लिए इसलिए रिजेक्ट करती है कि पैरामिलिट्री वाले 60 साल नौकरी करते हैं, तो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के भी तो ऑफिसर 54 से 60 साल करते हैं। अच्छा सर, आज के जो धरना लगाया है, अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली तो आने वाले समय में आप? हम नहीं सर, हम तो पंजाब के साथ में, पंजाब वाले नींद खोल देंगे। मैं ये सच्चाई बताता हूँ, पंजाब वाले जिस दिन सारी जत्थेबंदियाँ जो अभी भी अफसरों के पीछे लगु हैं, जो चमचे हैं या जिनकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, अगर वो भी हमारे भाई, वो बोलते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए।